बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई रोशन आँखों को खालिद अजमल का सलाम हो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। आजकल यकीनन बहुत एहतियात की ज़रूरत है, फिर दोबारा से कोरोना वायरस की का बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं और एक अजीब किस्म का खौफ और परेशानी जो है सवार हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं है, ये तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ सारी मुश्किलात भी चलती हैं और चीज़ें भी चलती हैं, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। अल्लाह करेगा बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आप सब लोगों को कम्प्लीट वैक्सीन लग जाएगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला सेफ कर देगा। आज अल्लाह ताला ने ना मौसम भी बड़े खूबसूरत बनाए हैं, और मैं आज जब आ रही थी तो मुझे एक अजीब किस्म का फीलिंग थे आते हुए रिकॉर्डिंग के लिए, कि जब आ रही थी तो बर्फ़ जो थी ना वो सारी आसमान से गिर रही थी और छतें जो हैं वो बिल्कुल वाइट हुई हुई थी, गाड़ियाँ जो हैं वो धंसी हुई थी उसके अंदर बर्फ़ के अंदर, और इतना खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा था, इतनी प्यारी फिज़ा लग रही थी। तो मैं दिन में सोच रही थी कि ये खुदावंद ताला ने अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा इंसानों को खूबसूरत चीज़ों के साथ नवाजा है, कितनी प्यारी चीज़ों के साथ अल्लाह ने नवाजा है। हर तरफ एक हुस्न था, हर तरफ एक खूबसूरती थी, और इस खूबसूरती को इंजॉय करने के लिए तो वाकई दिन चाहिए होता है ना, टाइम भी चाहिए होता है कि हम देखें। और ये मेरा ख्याल है कि ये जो ब्रेक है ना, विंटर ब्रेक, वो है भी इस इंजॉयमेंट के लिए कि हम लोग घर बैठे इंजॉय करें, बच्चे अपने टैलेंट को बाहर निकाल सकें, बच्चे घर में बैठ के सोच सकें, बच्चे सर्दियों में अपने आप को महफूज रख सकें, और उसके बाद फिर वो मतलब कि ऐसे काम करें कि उनका पेरेंट्स का भी दिल खुश हो, घर में भी वो खुशी महसूस करें और अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। और ये छुट्टियां जो होती हैं ना, ये बिल्कुल इंसान को रिलैक्स करती हैं और इंसान के जहन को ज़्यादा उजागर करती हैं। तो ये आज हमारा जो टॉपिक जो है वो आपका बड़ा मनपसंद टॉपिक है। तो टॉपिक है कि हाउ वी कैन ऑक्यूपाइड एंड हैप्पी आवर किड्स इन द विंटर ब्रेक्स, यानी विंटर ब्रेक जो है उसमें हमने अपने आप को किस तरह बिजी रखना है, ये हमने देखना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे बच्चों, ये विंटर ब्रेक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है। सर्दी की वजह से आउटडोर सरगर्मियाँ तो बच्चों की कम हो जाती हैं, लेकिन इनडोर सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा घरों के अंदर बिजी रहें, बाहर जाएंगे तो कहीं बीमार ना हो जाए। और खुशकिस्मती से हमारे शो में आज बहुत ज़हीन और फतीन लोग आ रहे हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि आप उनसे बड़ी अच्छी गाइडलाइन ले सकते हैं, बड़ा अच्छा बता सकते हैं। हमारे आज के पहले गेस्ट जो हैं वो प्रोफेसर मोहतरम अशरफ शबीर बुखारी साहब हैं, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन वो यहाँ पर हैं और इस वजह से हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाया। माशाल्लाह से बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, आप उनकी बातों से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, और मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स के लिए उनकी बातें बहुत खूबसूरत गाइडलाइन होंगी। हमारे प्रोग्राम के दूसरे गेस्ट, बहुत प्यारा बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा नाइस है, और बहुत ज़्यादा उसके बच्चों का काम करने का जो उसके अंदर कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन है, यानी हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं और बड़ा इंफॉर्मेटिव उसके उसका जहन है। और वो है मोहम्मद रज़ा, जो हमारे प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन इस बार फिर हमने उनको बुलाया क्योंकि उसकी बातें बहुत अच्छी होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाता है कि किस तरीके के साथ हमने जो है ये ब्रेक जो है विंटर ब्रेक जब मनानी है, ये इस दफ़ा भी हमने इसको बुलाया है मोहम्मद रज़ा को, तो इंशाल्लाह आप उनसे भी सुनेंगे। और उसके बाद आप सुनेंगे एक खूबसूरत आवाज़, वो आवाज़ जो एक मुद्दत तक आपके जहन में रहे और एक मुद्दत तक आप उस आवाज़ को रियलाइज़ करते रहे कि कितना खूबसूरत सॉन्ग था, कितना खूबसूरत गाने वाला था, कितना खूबसूरत इंसान था कि जिसने कितना प्यारा सॉन्ग सुनाया। तो वो है बहुत प्यारी आवाज़, वो है एक बहुत बड़े फनकार की, बड़ा प्यारा आर्टिस्टिक जहन इंसान है, और वो है तनवीर बदर को यकीनन आप ज़रूर जानते होंगे क्योंकि बहुत
ज़्यादा टीवी चैनल्स में उनका प्रोग्राम आता रहता है, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि जब हमने उनको बुलाया तो उन्होंने हमारी बात को मान लिया, वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही है। तो हमारे ये तीनों बहुत ही इंटेलेक्टिव किस्म के हमारे जो है गेस्ट हैं, और इंशाल्लाह ताला आप इनसे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। ज़रूर आप इनकी बातें गौर से सुनिएगा, क्योंकि इनकी बातों में जो चार्म है, इनकी बातों में जो नॉलेज है, वो आपको एक मेरा मेरा ख्याल है कि बहुत प्यारी गाइडलाइन भी है हमारे लोगों के लिए। तो फिर हम देखेंगे अपनी टीम के बच्चे जो है, हमारे बच्चों की टीम जो है, हमारे लिए कौन सा प्रोग्राम लेकर आई है। आपके लिए बहुत प्यारा प्रोग्राम लेकर आई है बच्चों की टीम, आप देखिएगा उनको, आप उसको भी इंजॉय करेंगे। और उसके बाद एक सॉन्ग है जिसको मैंने लिखा है, वो सर्दी के ऊपर है, विंटर के ऊपर ही है। आप उस सॉन्ग को सुनेंगे और उस सॉन्ग को इंजॉय भी करेंगे, उसको बड़ा बड़ा अच्छा मज़े का है, थोड़ा सा आप इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर उसको। हमारे प्रोग्राम का बाकायदा आगाज जो है हम कलाम इलाही से कर रहे हैं, जिसे अयान रजा आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इना अतमन्नाका खौसर वसले रब्बिका वनहर माशाल्लाह, ग्रेट जॉब अयान, बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा है। अब नाते रसूल मकबूल के लिए अनम जरगाम, शरी एचाम और दानियाल एचाम आपके सामने पेश करते हैं नाते रसूल मकबूल। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी नात पढ़ी आपने। और अब म्यूजिक लेकर आए हैं, देखिए अयान आपके लिए कितना खूबसूरत म्यूजिक है। मुझे लगता है आज वो क्रिसमस के ऊपर कुछ लेकर आया है, उसकी बड़ी बड़ा शौक था, क्योंकि बड़ा अच्छा खूबसूरत बजाता है उसके ऊपर, तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर इसने बजाया होगा। आप देखते हैं कि क्या लेकर आया वो। Hello everybody, my name is Ann. Today I'm gonna play for you a Christmas song. Here we go. ग्रेट जॉब अयान, बहुत प्यारा म्यूजिक आपने बजाया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। मोहसिन नसरीन और प्यारे बच्चों, मुझे अरस्तू की एक बहुत प्यारी बात याद आई, कि हमेशा वो उसकी खूबसूरत बात थी जो कि मैंने कहा कि आपको भी शेयर करूं, वो थी कि मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, कि मुश्किलात में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये सितारे तुम्हारे बच्चे हैं, वो क्यों घबराएं किसी परेशानी में, किसी मुश्किलात में, क्योंकि आजकल फिर वही जोर जो है कोरोना का स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे ये बच्चे माशाल्लाह इस तरह अपने रास्ते खुद ब खुद बना लेंगे, अपने आप को खुद ब खुद इस तरह बिजी कर लेंगे। मुझे पता है कि ये बड़ा हार्ड टाइम है हमारे पर, और हमारे खासतौर पर पेरेंट्स के लिए बहुत हार्ड टाइम है, कि बच्चे स्कूलों में नहीं जा सक रहे, और वो कोरोना के डर के मारे सब जो है परेशान है, बाहर निकाल नहीं सकते, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो गई हैं, इंडोर एक्टिविटीज़ में वो कितना कितना अपने आप को बच्चों को बिजी रखते हैं। लेकिन हम कर सकते हैं बच्चों को बिजी, ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमारे अपने बच्चे हैं, हम उनको जिस तरह चाहे मोल्ड कर लें। तो ये पेरेंट्स का आर्ट है कि पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को किस तरीके के साथ मोल्ड कर लेते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, जब मैं
जब ये विंटर वेकेशन होती थी मैं क्या करती थी, अपने बच्चों के लिए एक विंटर बकेट बनाती थी, लिस्ट बकेट लिस्ट बनाती थी, विंटर वेकेशन की बकेट लिस्ट होती थी, बकायदा एक लिस्ट तैयार करती थी कि आज मेरे बच्चे ने क्या काम करना है। यानी सुबह होने से पहले जब वो रात को, मैंने हर बच्चे के टेबल के ऊपर काम रखा होता था कि आज सुबह के वक्त जो उठेगा तो आज उसकी एक्टिविटी सारा दिन में कितनी होगी, वो क्या होगी, और बच्चे उसको फॉलो करते थे। इतना अच्छे तरीके से फॉलो करते थे कि मुझे कभी बॉदर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। बस एक जो लिस्ट बनाई होती थी वो रखी होती थी और वो बच्चे जो है वो शौक से उसको देखते थे कि अच्छा हमने ये काम करना है। और जब वो काम जितने फिनिश कर देते थे वो उसके बाद वो जितना मर्जी इंजॉय करें, जैसे मर्जी खेलें, जैसा करें, लेकिन जो वो उनका एक मतलब कि जहन भी खुलता था, उनको एक डिसिप्लिन की भी आदत पड़ गई थी। तो ये बहुत अच्छी बात है और मेरा ख्याल है कि सारे पेरेंट्स अगर जो है विंटर विंटर वेकेशन में जो जैसे बच्चों की हैं, अगर आप बकेट लिस्ट बनाएं तो वो बहुत कामयाब है। उसमें आप बच्चों को बहुत सारी चीज़ें बच्चों को बता सकती हैं, मसलन डेकोरेशन जो है वो कैसे करनी है, बच्चों ने स्टोन के ऊपर डेकोरेशन कर सकते हैं, जो टॉवल पेपर्स के जो बॉक्स हैं नीचे वाले उनके ऊपर आप किस तरह कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें जो है पेंट की जा सकती हैं, डॉलर स्टोर से बहुत बहुत खूबसूरत किस्म के ब्लॉक्स मिलते हैं, उन ब्लॉक्स को बच्चा जो है वो पेंट कर सकता है मुख्तलिफ तरीके के साथ। यानी बच्चे को हमने हर तरीके के साथ बिजी करना है कि बिजी रहे बच्चे, तो बच्चा बच्चा जो है उसका माइंड जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि बच्चे को हमने फिजिकली बिजी रखना है, मेंटल भी बिजी रखना है, दोनों का बिजी रखना बच्चों के लिए, हमारे लिए बच्चों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के एक्टिविटीज़ भी हों और बच्चा जो है वो मेंटली भी जो है बिजी हो। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि बच्चों को हमने बुक्स रीडिंग की तरह आदत डालें, कि बुक्स रीडिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि जितनी पहले वक्तों में तो बकायदा इतनी पढ़ाई होती थी, बच्चे इतना पढ़ते थे, टेबल याद करते थे, इतना कुछ याद होता था बच्चों को कि चलते फिरते माइंड जो है सिखाती रहती थी। लेकिन इस दफ़ा यहाँ का जो थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, पाकिस्तान में तो अब भी वैसे ही हालात चल रहे हैं, लेकिन अगर मेरा ख्याल है कि हम लोग बच्चों को इस तरीके के साथ बिजी करें तो बच्चा जो है वो रीडिंग बुक्स जो है उनके ऑडियोज़ भी हैं, उनकी वीडियोज़ भी हैं, बच्चे दोनों दोनों तरीकों के साथ किताबें जो है पढ़ सकते हैं और बच्चे इंजॉय कर सकते हैं किताबों में। लेकिन एनवायरनमेंट ऐसी हो कि बच्चा अपने आप पर प्रेशर न महसूस करे, बगैर प्रेशर के वो चीज करता रहेगा ना, तो आप देखेंगे कि वो चीजें बहुत खूबसूरत तरीके के साथ कर पाएगा। इसके बाद एक पजल गेम्स है, पजल गेम्स बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि पजल गेम जो है वो खासतौर पर जो मैथ की पजल गेम है, एजुकेशनल जो मैथ की पजल गेम्स हैं वो बहुत खूबसूरत गेम्स हैं, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ना मैथ में बड़ा मसला होता है, हर बच्चा मैथ से घबराता है कि मैथ जो है ना बड़ा मुश्किल है करना। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैथ में पजल गेम्स बच्चा जो है वो करेगा तो वो बड़ा बड़ा उसको अच्छा लगेगा कि पजल गेम जो है वो उसका जेन खोलेगी और वो उसके ऊपर वो कर पाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों को हमने क्या और चीज़ें लेके, हमने जो बच्चियां हैं बच्चियों के लिए तो मैं कहती हूँ स्टिचिंग बड़ी ज़रूरी है, छोटा मोटी चीज़ बच्चों बच्चियों को ज़रूर आनी चाहिए स्टिच करना। उनके पहले वक्तों में तो मदर्स करती थी, छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बटन लगाना सिखाती थी, ये लगाना सिखाती थी, वो लगाना, उसे फ़ायदा तो होता था ना कि हमें हमें चीज़ें आ जाती थी, इंटरेस्ट पैदा हो जाता था। लेकिन इतना है कि बच्चों को हमें इंटरेस्ट पैदा करने के लिए डॉल्स जो हैं, बच्चों की डॉल्स हैं, बच्चों के बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ आजकल डॉल्स खेलते हैं और उनके कपड़े सीने की आदत डालें, छोटी छोटी चीज़ें करने की डालें, उसमें बच्चे का काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और बच्चे जो हैं वो खूबसूरती के साथ जो है वो टाइम को गुजार सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग कर सकते हैं कि बच्चों को कढ़ाई, छोटी मोटी हल्के फुल्के चीज, फूल बनाना सिखा दे, पेंट करना सिखा दे, ऐसी इतनी बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चों को बिजी कर सकते हैं और बच्चे जो हैं वो इस तरह बोरियत से जो है वो बच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि बच्चों की बच्चों को केयर किस तरह करें, बच्चों को बिजी किस तरह करें, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन ये है कि इसमें माँ का स्मार्ट होना बड़ा ज़रूरी है, माँ बिल्कुल ऐसी ऐसी खूबी हो बच्चों के अंदर जैसे सारा टाइम वो एक टीचर की तरह बच्चों के साथ डील करें और वो और दोस्त की तरह डील करें। और आप देखो कि दोनों तरीकों के साथ जब माँ चलती है तो बच्चा तो है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि बच्चों को ये देखे। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि ये सारी इतने अट्रैक्टिव किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, हम बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को अब तो दिसंबर का भी एंड होने वाला है, जैसे बच्चों से हम कह सकते हैं कि बच्चों आप देखें कि पूरा साल गुजर गया, आप बताएं कि आपने इस साल में क्या खोया और क्या पाया, हमने अपने अपनी जो चीज़ आपने खोई आप लिख के दिखाएं। जब बच्चा लिखता है तो बच्चे से कह नहीं आपने जो लिखा है आप मुझे पढ़ के सुनाओ, जब पढ़ के सुनाए आप उसको अप्रिशिएट करो, जब अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चे के अंदर एक और अर्ज पैदा होगी,
उसको होस्ट करने की आदत पड़ेगी, उसको बोलने की आदत पड़ेगी, उसको लोगों के सामने सुनाने की आदत पड़ेगी। और ये ज़रूर कोशिश किया करें कि जब आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर बच्चों को कुछ ना कुछ आते हैं, ज़रूर उन गेस्ट के सामने बच्चों को कहा करें कि आप फलां चीज़ पढ़ के सुनाओ। कोई कोई अगर किसी बच्चे को कोई नज़म पढ़नी है या बच्चे ने कुछ गाना है तो ज़रूर जो है वो गेस्ट को बताएँ, और इस बच्चे को इनक्रेजमेंट जो है वो पैदा होती है। एक और चीज़ मोसेस नजमिन प्यारे बच्चों में आप सोच रही थी आपको बताने के लिए कि विंटर ब्रेक जो है उसमें इसके अलावा भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, बहुत एक्टिविटीज़ हैं इसके अलावा। आप देखते हैं कि जो हैनिका है, हैनिका जूश का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जो कि 8 दिन तक मनाया जाता है। ये और जितने भी जूश हैं वो ये लोग मनाते हैं 8 दिन तक, ये बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल होता है। फिर आप देखते हैं क्रिसमस है, क्रिसमस भी दिसंबर में आती है, वो भी एंड ऑफ द वो भी विंटर ब्रेक्स में होती है। और आप देखते हैं कि कितना कितना लोग इन्वॉल्व होते हैं क्रिसमस में, और यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन होता है, और जितने भी बहुत सारे मुल्क जो हैं वो क्रिसमस जो है मना रहे होते हैं। और इसके अलावा जो है कोवेंजा, कोवेंजा जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत फेस्टिवल है जो कि अफ्रीकन मनाते हैं। और इसके बाद दिवाली है, दिवाली भी सर्दियों में ही आती है, वो हिंदू और सिख मनाते हैं, ये इनका फेस्टिवल जो है 5 दिन तक चलता है। फिर बॉक्सिंग डे आता है हमारा, बॉक्सिंग डे जो है वो सबसे पहले जो है बॉक्सिंग डे कहाँ शुरू होता है पता है आप लोगों को? यूनाइटेड स्टेट में, यूनाइटेड किंगडम में सबसे पहले बॉक्सिंग डे स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद है ओमिसोका। ओमिसोका जो है वो एक जैपनीज का एक फेस्टिवल है जो कि 31 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। और फिर हमारे कायदे आज़म की 25 दिसंबर को, आपको पता है 25 दिसंबर को कायदे आज़म का जो है पैदाइश मनाया जाता है। पाकिस्तानी दुनिया के जिस कोने में भी होती है बड़ी इज्जत और बड़ी एहतराम के साथ जो है वो मनाते हैं उनका कायदे आज़म का जो है पैदाइश जो है। और इसके बाद मुझे एक बड़ा बड़ा प्यारा जो है वो दिसंबर पे 6 याद आ रहा था, मैंने कहा आपसे भी करूं कि ठंडी हवाएं क्या चलीं, ठंडी हवाएं क्या चलीं, हर तरफ यादों का दिसंबर बिखर गया। तो ये हमारी हमने जो है दिसंबर के महीने में हमने कितनी एक्टिविटीज़ करनी है। अब हम चलते हैं बच्चों की टीम की तरफ, हम देखते हैं कि बच्चों की टीम आज हमारे लिए इस विंटर के लिए, विंटर विंटर ब्रेक के लिए आप लोगों के लिए क्या चीज़ लेकर आई है। Assalamu alaikum everyone, assalamu alaikum dear friends, how are you? Today's program is Winter Break. So, our program is Winter Break. So, Ma, can you tell a little bit about Winter Break, please? We do activities in Winter Break. You do? Ooh. So, what kind of activities do you do in Winter Break? Do you play board games? Do you play games? What kind of games do you play? I play with my dolls, I read books on Raz Kids. Ooh, that's super duper cool. Alright, now I'll go. So, my favorite kind of activities are, I have this bracelet here I made in Winter Break. So, I really like making bracelets, and I also like, I got my vaccine a few days ago, so I got to have a new toy. So, I got a new toy, and it had slime inside with bones. So, I try to uncover and try and get the bones, and then you basically just attach the bones together, and it was really fun. Alright, so now, everyone, Sherry, Anam, and Dani were singing a song. So, let's hear them sing. Okay. Assalamu alaikum, my name is Today I'm going to play Frosty Snowman. Here we go. Reindeers are better than bees.
feelings are true. Come on, Kristoff, let's down your guard. Well, good job, Ayan, Donnie, Sherry, and Anir. You guys did such an amazing job. Now, guys, we are going to play such a really fun game. Are you guys excited? So this is my game, and it's called Twister. So I will explain the instructions, and I will choose someone to go against me in the game Twister. All right, let's start. It's a big mat, so we need a lot of space for it. It's about, I think, 6 feet, right? I'm not really sure. Okay, I can. So this is a mat, really big, but it's okay. So now, I'm going to choose two people in my place to go against each other since I've explained it well enough. Now, Anna, you, since you are the person who went against me, you will choose who is the wheel spinner. It can be me or Donnie. Who are you going to choose? Or even yourself. Myself. All right, Anna, you're the wheel spinner. And Sherry and Ma, you guys go against each other. I'm on this side. And Sherry, you're on this side. I'm going that time. I'm going this side. Okay, do you guys know the rules? Yeah. All right, Anna, I'll be your backup in case if you need. Can you pull the mat a bit down? Yes, stand here, Sherry, move. I need some more space. So guys, are you guys excited for the game? Alright guys, let's go! Okay, and I'm spin the wheel! Okay, and... Wait, I can spin it this way. Okay, left hand on... Wait, where's my left hand? Left hand on red. This is my left hand. Yes. On red. This hand? Ooh. No, this hand. You can put it over here. You can put it over here. Is this my left hand? Yes. Put it. Okay, I think so. Put over here. You can put it over here. Put your hand on red. Okay, guys. You can put it over here. You guys can bend down if you want. Okay, Anna, spin the wheel again. Okay. And wait. Right your hand on green. Both of you put your hands on green. This is getting tricky for both of them. I see Maha's face is becoming red and Sherry's face is We have to spin again. Okay. Again. Why does this keep on landing on? All right. Okay, it just landed in the middle. So it landed here. Okay. Spin again. I spin so much. All right. Right foot on red. This foot is on, Shade, this foot is on red, and this foot is on red. So this red, and this? Yes. Good luck, guys. This is green. I know this is going good. I wonder who's going to be the last person to be done. Okay. You can do this. Okay. Now, I'm going to spin again. Okay, I have to win. Now. Wait, no. Foot on blue. Right foot on blue. Well, oh my gosh. Just because it's right foot, you can put it now on left foot. Okay. Sherry, you're doing it wrong. Okay, so let me help you. This is how you do it. Yep, that's you're putting, it. He's putting, wait. Okay, this is your foot here, and here. Hey, Maha, try wait, the cheeky room. The spinner. Sherry, you need what? Can you just keep it out? Okay, guys, son. All right, guys, it's okay. So now we're going to see who is going to stay the longest here. I can just Sherry, and because you're cheating, you have to put stand up for this if you want. Like how Maha is doing. You have to... Okay, I have to go back again. Okay, I'm going to do this again, guys. How about you put this foot? Yeah, perfect pose. It's here. All right, there you go. Now, guys, we'll see who's going to win again. And whoever wins will go against that person. And I will go against that person. Okay, let's see who's going to win this game. Who do you want to win? This is kind of hard. Both two do you want to win? Oh, Sherry, look at that. You were moving. Yeah, I was moving. Mine. Yep. Uh-huh. You're still in that pose. This is probably going to take for to make it better. We're going to do rock, paper, scissors. See who's going to No, we're going to do some challenges. We're gonna, yes. We're going to tickle you and see. No, that's a horrible idea. It's not a horrible idea. Let's tickle them. Okay. Okay, who do you want to tickle? I don't know. Okay. I'll tickle Sherry. You tickle my... No, don't tickle me. Don't tickle me. I guess I'm very ticklish. You're so funny.
was easy to tickle my lip and you got sorry, Mom, I don't mean to do this. This is not my fault. This is my in circles. So these are the colors. So say right foot, like your right foot is on a blue, or your right foot is, or your right hand is on a yellow. You have to do that until you win, and whoever stays up the longest wins. So I'm gonna choose someone to go against me. So the person I'm going to choose is Anam. Anam, come, you're gonna go against me. Okay. Okay? You're gonna go against me, are you ready? Yes. And then I'll choose one more person to go against me. Alright? So, are you ready? Yes. Ready to beat me or are you ready not to beat me? To beat you. Are you sure you're gonna beat me? Yes. Alright. If Anna wants to beat me, she's gonna beat me. Alright, Anna. You wanna go first? Someone has to spin the wheel. I can spin the wheel. Alright. Okay. So who wants to spin their wheel? Me. Okay. So I would say maybe one of the boys this time, and then the next round, I'll choose a boy, and then one of them can spin the wheel. So, Danny, you can spin the wheel, okay? Do you know how to spin the wheel? Okay, come, go over here. And wait, you have to explain, so if it says right foot on yellow, and then it says, if it says right foot on yellow, then we're going to have to put on right foot. And what it says, right foot, and which color it says, you're going to do that. Yep. So, Dani, are you ready? So, me and Anam will do it at the same time together. Are you ready, Anam? Okay. Yeah, me too. Okay, I'll help you with it. So, we just need to fix this. It always comes off. So, be careful with it, Dani. Okay? So, are you ready, Anam? Yes. Are you ready to beat my dust? Yes. Okay, Dani, ready to spin it? Okay, so it says it's on left foot on green, Anna. So we have to put our left foot, okay. Which is, I guess this foot is my left foot. All right, Danny, do the next one. Okay, so it's yellow. So it looks like it's your right hand on the blue. So I guess I'll go with this. Okay. Okay, Danny. Blue. Okay. Blue, left hand on blue. Okay, Danny. You can bend your knees. Yeah. Okay, spin it again. And if it goes on the same thing again? It goes on blue. Okay, so you have to put your... It goes on green. Okay, spin it one more time, Danny. And if it's not, okay. So now we have to put our foot on red, Anna. And see who will stand the longest, Anna. Okay. And whoever loses. Just loses. Oh, man, I'm getting tired. Okay. You win, Anna, you win. Okay. Ma and Anna made a snowman, and everyone loved their snowman. They worked very hard to make the snowman. Everyone loved the snowman, and they really like it. Hi, everyone. I made a snowman. We made a snowman! अब आप सॉन्ग सुनेंगे जो सर्दी पर मैंने लिखा है
और जिसकी धुन जो है वो डॉक्टर अली नकवी साहब ने बनाई है, और जिसे कंपोज जो है वो जहूर अहमद साहब ने किया है और फरियाल रजा ने किया है। आप सुनेंगे, आपको जरूर एंजॉय करेंगे आप इसको। सर्दी का है ये मौसम, सर्दी का है ये मौसम, बचके जरा तुम रहना, बचके जरा तुम रहना, सर्दी का है ये मौसम।
बहुत ग्रेट जॉब, यकीनन आपको बच्चों पसंद आया होगा क्योंकि बच्चों ने बड़ी मेहनत के साथ ये सॉन्ग आपके लिए तैयार किया है, और इतनी सर्दी में बाहर जाकर और वो स्नोमैन बना के उन्होंने दिखाया था, जरूर उनको अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अच्छा और प्यारे बच्चों, हम जा रहे हैं ब्रेक पर और अभी हम वापिस आए। इट्स गुड टू ड्रीम बिग, टू ओन अ हाउस एंड अ बिजनेस, गेट रेजिडेंशियल एंड बिजनेस लोन्स, get insurance to protect your dreams, get your children in university education without monetary worries, invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services, call now 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services, all services under one roof. आपकी रिहाइश ऐसी हो जहां जिंदगी की सहूलत मयसर हो, जो आपको बुलंदियों पर ले जाए, तो मिलिए रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अमित ओबेरॉय से। जीटीए में रियल एस्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आपको घर खरीदना हो, बेचना हो या करना हो मुनाफे का इन्वेस्टमेंट, मेरे तजुर्बे से आज ही फायदा उठाएं। आज ही कॉल करें अमित ओबेरॉय 6472918102। अमित ओबेरॉय, ब्यूटीफुल होम्स यू कैन अफोर्ड। सो नाउ इट्स फुली रेनोवेटेड, लाइव केटरिंग, बारबेक्यू, तंदूर, जलेबियां और फ्रेश नान, तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, ज़ॉक इज प्रोवाइडिंग फुल सर्विस नाउ एंड ज़ॉक हैज ओपन अ न्यू बैंक्वेट हॉल, गार्डन, इवेंट सेंटर। आपका ज़ॉक देखकर लोग कहेंगे क्या शौक है आपका। कॉल राइट नाउ 905-625-7786। जौक वालों के लिए। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, एलजी, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तियाब हैं, जो आप बआसानी से ले सकते हैं। @Dixie, we sell quality and deliver confidence. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128, 416-DIGITAL-SIGN। कॉर्पोरेट इवेंट्स हो या शादी की तकरीब, बर्थडे एनिवर्सरीज हो या हो बेबी शावर, और अगर आप चाहते हैं स्टूडियो सेटअप, रेंटल बैकड्रॉप्स, हार गजरे या पार्टीज के लिए फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट, देन कॉल आफिया खान एट 416-628-7849। एसेंस इवेंट डेको, क्रिएटिव, एलिगेंट एंड यूनिक। वर्सेस नजरिए प्यारे बच्चों, ब्रेक से वापस आ गए हैं और अब हम मिलते हैं अपने बहुत ऑनरेबल गेस्ट के साथ। हमारे बहुत प्यारे गेस्ट हैं और मैं और मेरे बच्चों की दुनिया की टीम जो है उनको सबको खुशामदीद कहती है। हमारे आज के प्रोग्राम के पहले गेस्ट मोहतरम प्रोफेसर अशरफ शबीर बुखारी साहब हैं। ये इनकी ज़ात किसी रस्मी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और ये कनाडा में रहते हैं, और मेरा ख्याल है कि ऑन्टेरियो में कौन है जो इनको नहीं जानता, जो इनकी तहरीरें नहीं पढ़ता। इनकी खूबसूरत तहरीरें, इनकी खूबसूरत बातों मुस्तफीद लोग बहुत होते हैं। और इन्होंने बहुत अरसा तक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ाया, उसके बाद एज कंट्रोलर एग्जामिनेशन रहे और उसके बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे भी उन्होंने अपने माशाल्लाह अपनी एजुकेशन और अपने बहुत बड़े एजुकेटर हैं। काफ़ी देर तक हम इनकी बातों से मुस्तफीद होते हैं, जैसे जो बातें वो हमें समझाते हैं और वो बताते हैं। आज मैंने सोचा कि अपने
बच्चों के पेरेंट्स के साथ उनको मिलाऊं ताकि वो भी उनकी बातों से फायदा उठाएं और हमारे बच्चों को जो उनके विंटर की वजह से बच्चे जरा बोर हो रहे हैं, घरों में बैठे हुए हैं, कोरोना भी है, इस वजह से बच्चों को हम हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश में है। और खालसा की बात से इंशाल्लाह आप लोग बहुत मुस्तफीद होंगे और उनका बहुत अच्छी नॉलेजेबल बातें, उनकी प्यारी बातें जो हैं वो घंटों भी हम इनके साथ बैठ जाएं तो ऐसे लगता है कि जैसे दिल चाहता है कि इनकी महफिल में बैठा रहे, इंसान उनसे बातें सुनता रहे। और उन्होंने अपनी खूबसूरत तहरीरों से ना सिर्फ लोगों को मुस्तफीद किया, उन्होंने अपने स्टूडेंट को मुस्तफीद किया, अपने बच्चों से इनके बच्चों ने बहुत फ़ायदा उठाया। इनके बात करने का अंदाज, इनके समझाने का अंदाज बहुत मुतासर कर देने वाला है। और जब भी कभी मैं इनके पास बैठी हूँ तो मुझे जब भी मिलने का मौका मिलता है या बात करने का मिलता है, वाकई मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उनकी उनसे अलग हो जाऊँ और उनसे बात दिल चाहता है सुनती रहूँ उनकी बातें। वे इतना अच्छा माशाल्लाह ये समझाते हैं और बताते हैं। और बच्चों के बारे में इन्होंने बहुत काम किया है, बच्चों की तालीम तरबियत के बारे में बहुत काम किया है। और खुशकिस्मती से प्रोफेसर साहब जो आज हमारे बीच में है, ये इस अंदाज से बात करते हैं कि जैसे जिंदगी एक सरबस्ता राज है, जिंदगी एक सरबस्ता राज है, इस राज को समझो। अगर समझो तो बहुत कुछ, ना समझो तो कुछ नहीं। ये इनका अंदाज है बात करने का। और आज हमारे शो के दूसरे गेस्ट मोहम्मद रजा बुखारी हैं। बहुत मेहनती, बहुत नॉलेजेबल बच्चा, बहुत इंफॉर्मेटिव बच्चा है और बहुत बहुत हर किस्म की इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है। इसने एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर बहुत काम किया है और दुनिया भर में इसकी बुक्स भी गई हैं। इसे माशाल्लाह बहुत राइटर है, बहुत अच्छी बुक्स लिखी है इसने, बड़ा नॉलेजेबल बच्चा है। इसने बहुत सारे बच्चों के ऊपर काम किया है और बच्चों को सिखाने के तरीके तो इसके ये इतने प्यारे फन से सिखाता है कि वाकई मजा आता है इसकी बातों का, किस तरीके के सब ये बच्चों के टेक्निक बताते हैं, टेक्निक सिखाता है। और इंशाल्लाह हम आपको भी ये बताएगा कि आज बच्चे हमारे बच्चों को किस तरह ये टेक्निक जहाँ बतानी है। तो इसका आइंस्टाइन की तरह इसका एक ख्याल है, कंसेप्ट आइंस्टाइन का था ना कि कामयाबी हासिल करो लेकिन पैसे से नहीं, अपनी पहचान से। तो इस बच्चे ने जो कामयाबी हासिल की है अपनी पहचान से की है और यही चीज है जो आके लेके इंसान को चलती है। तो माशाल्लाह आजकल ये किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब पे काम कर रहा है। इसके अलावा बड़ी मेहनती है, बहुत बुक्स लिखता है, इसकी बुक्स हर जगह है और इसने एनवायरमेंटल पे जो काम किया है वो कमाल का काम है। और ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो बहुत इस चीज में इसने शोहरत हासिल की है। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस किस्म के लोग जो है वो हमारी बच्चों की टीम में शामिल होते हैं कि बच्चे जो है वाकई बच्चों को फायदा हो। मेरा दिल चाहता है कि ऐसे ही लोग हमारी बच्चों को नॉलेज दे जिससे हमारे बच्चों को वाकई फायदा हो। तो इकबाल ने इसके लिए कहा था, तो शाहीन है परवास है काम तेरा, तो शाहीन है परवास है काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी हैं। और आज हमारे जो सबसे एक तीसरे गेस्ट जो हैं, एक बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत प्यारा सुर। आवाज एक ऐसी चीज है जो मुद्दों तक इंसान के जहनों में रहती है, महफूज रहती है। मैंने सुना हुआ था कि आँख खूबसूरत हो तो दुनिया अच्छी लगती है, लेकिन अगर आवाज अच्छी हो तो आप दुनिया को अच्छे लगने लगती है। तुम्हारी खूबसूरत आवाज जो है वो तनवीर बदर साहब हैं। कई साल पहले मैं एक बहुत बड़ा हॉल था और उसमें एक बहुत बड़ा फंक्शन था और मैं उस फंक्शन में गई तो मैंने पहली दफा तनवीर को वहां देखा और सब लोगों ने फरमाइश की जो तनवीर साहब आए हुए ताजदारे हरम जो है हमें ये सुनाई जाए। आप यकीन कीजिए कि वो हॉल में बेशुमार दुनिया थी। जब तनवीर ने ये नात पढ़ी इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, इतना पिन ड्रॉप साइलेंस था, लगता था कि कोई बंदा जो है यहाँ मौजूद नहीं है। सारे लोग जो थे इसके आवाज में खोए हुए थे। तो माशाल्लाह खुदावंद ताला ने इसको बहुत खूबसूरत आवाज से नवाजा है। ना सिर्फ ये आवाज का फनकार है बल्कि अल्लाह ताला ने इसको और नेमत से नवाजा है। माशाल्लाह MSc केमिस्ट्री है, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता है, यानी खाली इसने ये इस सॉन्ग को ही अपनी जिंदगी नहीं बनाया हुआ, इसने अपनी जिंदगी को भी बहुत अच्छे तरीके के साथ माशाल्लाह चल रहा है। और इसके अलावा जो इसने तालीम जो हासिल की है, इसका क्योंकि सिंगिंग का शौक था इस वजह से उसने मकबूल साबरी साहब से हासिल किया और इसके और अमजद साबरी साहब से भी आपने हासिल किया, इनकी तालीम से हासिल किया और बहुत सारे जगहों पर जाकर ये अपने फन का मुजाहरा कर चुका है।
पाकिस्तान में, कनाडा में, इंडिया में, अमेरिका में, और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो तनवीर, जाके अपनी पार्टिसिपेशन करते हो। और आज हमने इसको बच्चों की अपनी दुनिया की टीम में बुलाया, थैंक यू सो मच आपका भी, कि बहुत प्यारा एक शेर था आपके लिए, जो यकीन की राह पे चल पड़े, जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज जब करते हैं तो हम बुखारी साहब से करते हैं। बुखारी साहब, आप हमारे पैगाम, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए, तो आप हमें बता सकेंगे कि बच्चों की विंटर ब्रेक जो है उनको अच्छा क्यों समझा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विंटर ब्रेक का कॉन्सेप्ट जो है बहुत कदीम अरसे से चला रहा है, और बच्चों को जो भी तालीम, जो तालीमी साल होता है बच्चों का, वो खास दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, उसमें तालीमी साल को डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। कहीं तो 3 महीने, यानी इसे हम कहते हैं समर वेकेशंस, और फिर आगे कुछ दिन, 10 दिन या 12 दिन जो है वो सख्त सर्दी के जो दिन हैं वो इसे विंटर ब्रेक कहते हैं। अब ये विंटर ब्रेक और समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट ये वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान में समर वेकेशन का कॉन्सेप्ट और है, अफ्रीका में और है, यूरोप में और है, और इस हिस्से में इसका कॉन्सेप्ट और है। क्योंकि यहाँ पे ये इंतज़ार करते हैं लोग कि कब ये पीरियड हो, और उसमें सारी फैमिली इन्वॉल्व है इसमें, सारी फैमिली इन्वॉल्व है, और सारी फैमिली प्रोग्राम बनाती है कि वो फर्द का यूकान जाएं। अब कनाडा सारा का सारा जो है ये एक हसीनो जमील मुल्क है जी। ये मैं समझता हूँ कि दुनिया की खूबसूरत तरीन सैरगाह जो है या तफरी गाह जो है वो कनाडा है जी। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही आप। तो सारा मुल्क भी इस घर से बाहर निकलो तो आप चलते जाओ, नई नई खूबसूरत पगडंडियां, नए नए रास्ते। अब ये बेटा जो है मुझे ले जाता है हाल्टन का इलाका जो है, अब हाल्टन जो का इलाका जो है इसको बिल्कुल प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ की अच्छी बात यह है कि नेचर को इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, नेचर को मॉडिफाई नहीं किया जी। हमने तो मतलब मरी है उसको मॉडिफाई करके खूबसूरत बना दिया, और यहाँ पे ये हर चीज जैसे है जहां है। नेचर असल बात सबसे बड़ी है कि जैसे है जहां है, उसमें कोई चेंज नहीं हमने करनी जी। और यहाँ का कल्चर जो है कि जिस तरह से नेचर ने किसी चीज को पैदा किया, बनाया, उसको उसी हालत में रहने देना चाहिए। मैंने आते ही कनाडा, मैंने ये 3-4 किस्तों में मजामी लिखे कनाडा के बारे में, खूबसूरती के बारे में, कल्चर के बारे में, और फिर हर शहर कौन कौन शहर जो कौन कौन सी चीजें जो काबिले दीद है जी। रजा, आपसे एक क्वेश्चन है कि विंटर ब्रेक में बच्चे अपने आप को किस तरह ज्यादा से ज्यादा बिजी रख सकते हैं? विंटर ब्रेक क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे 25th ऑफ दिसंबर, बेसिकली 24th ऑफ दिसंबर से लेके 6 जनवरी तक होता है एक टाइम पीरियड, और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है क्योंकि सख्त सर्दी होती है और बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटीज मुमकिन नहीं होती। तो इसमें ये होता है कि दो ऑप्शंस ये होती हैं कि आप इंडोर एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा तरवीज दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी गेम्स होती हैं जैसे बास्केटबॉल हो गया, या आप मोनोपोली हो गया, या ऐसी गेम्स जिसमें बच्चे एंगेज हो जाएं और आपका टाइम भी गुजर जाए और वो इन्जॉय भी करें। फिर इसके अलावा इसके साथ साथ आप देखें, आप फैमिलीज में अच्छी मूवीज देख सकते हैं बच्चे के साथ बैठ के, और आप मतलब फैमिली टाइम अच्छा गुजार सकते हैं कि अगर सारे मामा पापा सब, तो बच्चों को एंगेज करने के लिए फिर स्टडी का भी एक सिलसिला बनाया जा सकता है कि जिसमें उनको एंगेज करने के लिए आप ऐसी यानी कि वर्ड्स गेम हो सकती हैं, मैथमेटिकल गेम्स हो सकती हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू एट होम
एंड आउट एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटी एज वेल, क्योंकि अगर स्नो है बाहर तो स्नो में बच्चे जो हैं वो स्नो बोर्डिंग कर सकते हैं, मतलब अगर उन्हें अपने गेयर्स प्रॉपर पहने हुए हैं तो, मतलब देर लॉट ऑफ थिंग्स दे इन कैनेडा स्पेशली देर लॉट ऑफ थिंग्स दे कैन डू, इट डिपेंड्स अपॉन देयर यू नो उनके अपने क्या लाइक्स और डिसलाइक्स हैं बेसिकली. आपको आप माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे हो, इतने अच्छे हो, इतना कुछ जानते हो, ये आपको सॉन्ग का इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, किस तरह आपने अपने अंदर ये पैदा हुआ कि आप बचपन से शौक था कि आपका अभी स्टार्ट हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों के शो में बुलाने का, क्योंकि कई शोज में लोगों ने मुझे अप्रोच किया बुलाने के लिए लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं जा सका, लेकिन खासतौर से बच्चों का शो था और छुट्टियां भी थी तो इसलिए सोचा कि जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए. तो गाने के शौक का जहाँ तक ताल्लुक है, तो जब मैं कॉलेज पहुंचा हूँ, कॉलेज में गया तो कॉलेज में नात खानी के मुकाबले और सिंगिंग वगैरह का सिलसिला होता था तो पार्टिसिपेट किया करते थे, तो वहां से लोगों ने हमें भी वहीं से पता चला कि आई कैन सिंग. तो इसके अलावा अमजद साबरी जो थे वो बचपन में एक ही हमारे मोहल्ले में हम लोग साथ रहा करते थे, तो रमजान में खास तौर से एक मस्जिद में हम लोग फजर की नमाज पढ़ते थे, वही सलाम सलातो सलाम फजर में हम लोग साथ पढ़ा करते. तो इसी तरह से बस वो शौक वहाँ से बड़ा पैदा होता चला गया. फिर वहाँ उस्ताद मकबूल साबरी साहब के साथ शागिर्दी की. हाँ जी. अमजद भी चूंकि उनके शागिर्द थे, मैं भी उनके शागिर्द था, तो अमजद उस रिश्ते से मेरे उस्ताद भाई. हाँ जी. जो म्यूजिक की दुनिया में उस्ताद भाई का रिश्ता कहलाता है, तो मेरे उस्ताद भाई थे वो, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. तो इस तरह से बस गाने का शौक इसका, लेकिन टैलेंट आपके अंदर पहले से मौजूद था ना. तो आज आप हमारे बच्चों को क्या सुनाएंगे तनवीर? आप हमारे बच्चे बड़े बेचैनी के साथ इंतजार करेंगे कि आज तनवीर साहब आए हैं, तो देखो तनवीर बदे क्या हमें सुनाता है. तो बच्चों के लिए वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं. हाँ जी. लेकिन आजकल के बच्चे आपको पता है बहुत ज्यादा माशाल्लाह एडवांस है, हमसे ज्यादा एडवांस है. तो मैं चाहूंगा कुछ थोड़ा सा मिल्ली नगमा उनके लिए गुनगुना दूं. अच्छा ठीक है. अच्छा ठीक है. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाया ईमान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है. बहुत सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे विंटर में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें एक क्रिसमस की एक्टिविटी जो है वो मनाई जाती है बहुत सारे मुल्कों में, तो ये क्रिसमस है क्या, हम क्यों क्रिसमस का क्या ताल्लुक? असल में हमारे दौर में बड़े दिनों की छुट्टियां कहा जाता था, और इसमें इत्तेफाक की बात यह है कि दस दिन जो है वो बड़े दिन का मतलब यह होता है ना, साल में कुछ दिन छोटे होते हैं, कुछ दिन बड़े होते हैं, ये बड़े दिनों का इब्तदा होती है. तो इनको एक तो बड़े दिनों की छुट्टी कहे थे, और इस पीरियड में ही यानी 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश
और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश। और एक और मजे की बात है कि मलका विक्टोरिया को कैसरा हिंद का खिताब भी इन्हीं दिनों में मिला है 25 दिसंबर। अच्छा। तारीखी लिहाज से ये एक बड़ा एक अहम दिन है कायद आजम के हवाले से, और फिर इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, और फिर मैंने बताया कि मलका विक्टोरिया जो थी कैसरा हिंद का खिताब उसको दिया गया था वो भी इसी दिन के। खूबसूरत इसके इस तरह इसकी इतनी अट्रैक्शन है। आपको पता है हर जगह क्रिसमस की जो है दिनों में तो ऐसे लगता है जैसे सारा कनाडा में स्पेशली तो हर जगह मैंने देखा है कि इतना धूमधाम से मनाई जाती है। बिल्कुल। और बाकी दूसरे मुल्कों में भी बहुत ज्यादा होती है ये कंसेप्ट जो है, ये बाकी ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है इसके लिए। अच्छा आपसे एक सवाल है कि आप जानते हैं कि क्रिसमस में क्रिसमस ट्री की बड़ी अहमियत है। जी जी। तो क्रिसमस ट्री की क्या अहमियत है, क्रिसमस ट्री है क्या चीज? क्रिसमस ट्री का पीछे जो थ्योरी है वो है सेंटा क्लॉज, और उनके बच्चों के जहन में होता है कि जी रात को 24 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आता है ऊपर से, तो वहाँ पर क्रिसमस ट्री पे उनके लिए कोई जो है ना वो गिफ्ट वगैरह उसके नीचे रख देता है, तो उसकी ये अहमियत है कि इट्स बेसिकली फुल ऑफ गिफ्ट्स एंड जुबिलेशन फॉर देम। सो वो क्रिसमस ट्री की अहमियत इस लिहाज से करते हैं कि बच्चे खासतौर पर जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है कि रात को सोते हैं तो वो इसी इंथुजियाज्म में होते हैं कि जी सुबह उठेंगे तो हमारे लिए गिफ्ट ट्री पे होगा या ट्री के नीचे होगा, तो इस वजह से वो बच्चे जो है वो सारी रात इस चीज में इंतजार करते रहते हैं या इंतजार करते करते सो जाते हैं, जब उठते हैं तो सब भागते हैं नीचे की तरफ क्रिसमस ट्री को देखें उसके नीचे हमारे लिए गिफ्ट पड़ा होगा, रात को सेंटा लाया होगा। बच्चों को गिफ्ट से ज्यादा अटैचमेंट है, सेंटा का जो कांसेप्ट है वो यही है कि बच्चों को खुश करे कि वो किसी की चीज देंगे। हाँ जी, ये इसका है। जी जी। तो इसके बाद तनवीर के पास चलते हैं कि तनवीर बताएंगे कि वो विंटर ब्रेक जो अपने कैसे मनाते थे। देखिए मेरा ताल्लुक असल में कराची से है तो कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। अच्छा। लेकिन जितनी पड़ती है वो एक दो हफ्ते जो कहते हैं कोयटा की हवा चल पड़ी, तो कोयटा की हवा जो चलती थी तो उसमें हम लोग बड़े एक्साइटेड होते थे, लेदर जैकेट्स निकाल रहे हैं और अपनी जीन्स और सब, मतलब एक अलग से स्टाइलिश एक माहौल बन जाया करता था। स्कूल में भी होते थे या वैसे वेकेशन में, विंटर वेकेशन में प्लानिंग करते थे कि कजन्स के पास जाएं, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, शरारती भी करते थे बहुत, मार भी खाते थे पाकिस्तान में, तो आपको पता है ना कि मार भी खाई है तो बहुत अच्छी थी जी। तो बस वो कजन्स के यहाँ जाना और अजीब अजीब हरकतें करना, एक मतलब वो शाम में एक मूंगफली वाले ने आना, बाहर आवाज लगाना, वो गर्म गर्म उससे मूंगफली खरीद के बैठ के रजाई में खाना, वो एक अलग ही विंटर वेकेशन का मजा होता था। वैसे तो यहाँ तो आपको पता है कि डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, जैसा कि बुखारी साहब ने भी कहा कि टोटली डिफरेंट माहौल है यहाँ का, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, छुट्टियाँ तो वही है ना। जी जी। जैसे वैसे समर ब्रेक है, वैसे विंटर ब्रेक है, वैसे ही स्प्रिंग ब्रेक्स आती है, जैसे वो सेम वही आता तो सारी दुनिया। मेरे भी माशाल्लाह दो बच्चे हैं तो अब एक स्कूल जाता से कभी नहीं जाता, तो उसका भी विंटर ब्रेक चल रहा है, तो डिफरेंट फरमाइशें होती है उन लोगों की। बिल्कुल। उनके पास वीडियो गेम भी है, टीवी भी है, कंप्यूटर भी है, अब बाहर साइकिल की राइडिंग के लिए जाना है तो अब इस सब मौसम में जो है वो राइडिंग तो जाहिर सी बात है कि नहीं होती, वो काफी ठंडा मौसम है। आज आपको एक और हमारे बच्चों को सुनाना पड़ेगा। बच्चों को तो देखिए मैंने अभी सुनाया है, बच्चों के वालिदैन का भी हक है। बच्चों के वालिदैन जितना ज्यादा उनके पीछे के, मैं भी एक पेरेंट हूँ तो मुझे अंदाजा है कि विंटर वेकेशन में हम भी इसी तरह पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल। बच्चे करते हैं तो अगर हम सारा टाइम बच्चों के साथ रहते हैं तो बच्चे कुछ बनते हैं ना, तो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो है वो पढ़ने में पेरेंट्स जो है वो 100% उसमें इन्वॉल्व होते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो वो पेरेंट्स की जान छुटती है ना कि सो गए बच्चों को भेज के, सो गए जो भी एक्टिविटी करनी है कर ली, लेकिन बच्चे जब घर में पढ़ रहे होते हैं तो आपको बच्चों के साथ काफी अटेंटिव रहना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स के लिए एक बच्चों को मैं सुना चुका हूँ। मैनु तू बांध ले पक्की यारियों, यारियों यारियों में होंदे ना फासले,
ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोने सुन ले मेरी दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां, करांगे रोज रोज बह के सच्चिया मुहब्बत निभा के। दिखाए मैनू क्यों सताए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां। तैनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरियां है। तैनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लिया यारा ना पावी कदे दूरिया, मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा, तू जीना है मेरा, हमी झूठी मूठी रुस के रुसा के दिल दिया गल्लां है, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के दिल दिया गल्लां। थैंक यू, बहुत खूबसूरत। बाकी पेरेंट्स पूछोगे और पता है क्या है, मेरा ग्रैंडसन है, बड़ा अच्छा म्यूजिक बजाता है वो, एयान जो है वो इतना खूबसूरत गाता है, ये साथ म्यूजिक बजाता है साथ गाता है अपने पियानो के ऊपर, उसकी पसंद है बहुत ज्यादा ये, तो मेरा ख्याल आज तो वो तो बहुत खुश हुआ होगा सुन के आपकी बात। वैसे आपसे एक और सवाल है कि क्या आपको याद होगा कि आप अपनी विंटर ब्रेक जो है वो कैसे मनाते थे? क्या बात याद करा दी आपने। मैं तो एक तो विंटर ब्रेक वो है जो मैं नहायत ठंडे मुल्क में मना रहा हूँ, ठीक है, और असल जो विंटर ब्रेक है ये असल नहीं है, असल विंटर ब्रेक वो है जो सारा साल तकरीबन गर्मी, सख्त गर्मी, और लोग इंतजार करते थे कि कब ये सर्दी आएगी, ठंडा ठंडा मौसम आएगा, क्योंकि सर्दी वाई इतनी नहीं होती, यानी वो नहीं है, माइनस पे नहीं जाता वहां पे टेम्परेचर, वो 15 या 14 या 18 इतना ही होता है, लेकिन उसमें भी ठंड लगती थी बड़ी। अब आप देखें कि विंटर ब्रेक का कंसेप्ट वहां का है जहां विंटर जो है वो इंतजार के बाद आती थी, लेकिन है तो सारी दुनिया में, यहाँ पे तो विंटर जो है आपके ऊपर मुसल्लत हो गई है, विंटर ब्रेक जो है आपके ऊपर मुसल्लत हो गई है, जी जी। आप उसको इंतजार करें या ना करें, उन्हें आना ही आना है। आगे बात ठीक है। अब इसके बाद यह कि कोई माशाल्लाह से नया साल आ रहा है और नया साल में आप हमारे बच्चों को कोई टिप्स देंगे कि वो आइंदा उनकी तालीमी सरगर्मियां ज्यादा से ज्यादा जो है वो जोर पकड़ सके। वो असल में इस सवाल के जवाब के दो हिस्से है, एक हिस्सा मुतालिक है वालदैन के साथ जी, या असाज़ा के साथ, और एक हिस्सा मुतालिक है बच्चे के साथ जी। बच्चा जो है वो एक्सपीरियंस करता है जी, और नॉलेज जो होता है वो या असाज़ा को होता है या वालदैन को होता है, तो बच्चे को नॉलेज देना कि ये जो विंटर आएगी इसमें आपने ये एहतियातें करनी है, ठीक है, और ये कंसेप्ट दे रहा हूं एहतियातें करनी है, और उन दिनों सर्दी का जो मुनासिब लिबास है वो पहनना है, लेकिन छुट्टी नहीं करनी सिवाय उन 10 दिनों के हाँ जी,
जो मुसल्लत की गई थी उन पर, अब तो शायद वो भी शायद कम हो रही है, उसका भी झगड़ा हो रहा है। ये वो गवर्नमेंट कहती है कि ये हमें पैसे देने पड़ते हैं जी, लोग काम करते नहीं हम उनको पैसे क्यों देने भी, ये अब लालच आ गया। लेकिन वो मासूमियत थी उसके अंदर, उसके अंदर मकसद था बच्चों का। मैं कहता कि ये जो विंटर है ना, यहाँ पर सही मानों में विंटर ब्रेक है, बिल्कुल जिन मुल्कों में विंटर है। हाँ जी। हमारे यहाँ विंटर नहीं है। हाँ जी। हमारे यहाँ मौसम बहार और मौसम खिजा इन एक्सेस टू सरमा एंड गर्मा। तो यहाँ पे यहाँ का मैंने देखा है कि खिजा ही बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है हाल्टन हिल के जब, तो मैं कहता हूँ कमाल है, यहाँ का यहाँ की बहार भी खूबसूरत और खिजा भी खूबसूरत। अगर वर्ड वर्थ जो है वो यहाँ आता ना तो कभी भी यहाँ से जाता। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप इसमें बच्चों को कोई नए साल के हवाले से कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो किस तरह अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके के साथ कर सकें? मैं असल में जो बात बड़ी सही आपने पूछी है कि पढ़ाई के ऊपर मौसम का असर मेरे ख्याल से नहीं होता जी, ठीक है ना, वो रूटीन का एक पढ़ाई होती है। लेकिन सर्मा में सर्मा की छुट्टियां होती हैं या समर वेकेशन होती है और अब सॉरी गर्मा में, और सर्मा में जो है वो विंटर ब्रेक होती है जो थोड़ी है, सर्मा में ज्यादा ड्यूरेशन है और गर्मा में ड्यूरेशन थोड़ी है। तो अब आप देख रहे हैं कि वो प्लानिंग हर दोनों मौके पे की जाती है। हाँ जी ठीक है। लेकिन वो मैंने मुझे जो चीज पसंद नहीं आई वो ये है कि वो इतना काम देते थे इन मुल्कों में जो एशिया के या अफ्रीका के ममालिक हैं, इतना काम देते थे कि बच्चों को तफरी का टाइम नहीं मिलता था। देखो ठीक है, ये तफरी ही है असल में, इसमें कोई काम नहीं बच्चों को देना चाहिए, बच्चों को मुकम्मल दरबार तफरी, ताकि उनके दिमाग ज्यादा अच्छे से खुले। हाँ बिल्कुल, बड़ी सही बात है, दिमाग खुलेगा अगर आप तफरी करेंगे। यहाँ बेशुमार प्लेसेस हैं, ये जो कनाडा में बेशुमार प्लेसेस हैं जहाँ पे आप विंटर ब्रेक जाके गुजार सकते हैं जी। तो इसी के इसी अपना टोरंटो में आपको बेशुमार जगह मिलेगी। तो ये तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर अगर आप बच्चों के लिए यहाँ पे इतना अच्छे प्रोग्राम है, तफरी के इतने अच्छे स्पॉट हैं, हमें उन तमाम स्पॉट्स का सामने रखना चाहिए कि इस दफा यहाँ ले चलते हैं बच्चों को, इस दफा यहाँ ले चलते हैं बच्चों को, ठीक है ना बात। इवन अमेरिका भी नहीं आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, या जो खास खास जो है वो जगह है जो देखने वाली है अमेरिका में, तो अंडरलैंड है फलां है डबरा, तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में कनाडा में इतना खूबसूरत मुल्क है कि मैं कहता हूँ मैं वाक कर गया हूँ, तो मैं जब हालांकि कई दफा गया हूँ उस रास्ते से, लेकिन रेडिया एंड एवरीथिंग लुक फ्रेश और फ्लावरी फ्रेश एंड इंसेंटिव। ठीक है ना, तो इसलिए बॉटनी के लोगों को तो वैसे ही फ्लावर्स हैं और इन चीजों के साथ बड़ा इंटरेस्ट होता है, इसलिए आपने आपको के फ्लावर, तो बहुत शुक्रिया आपका भाई साहब आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे बच्चों को अपनी बातों से मुस्तफीद किया, और यकीनन जो है बच्चों एंजॉय करेंगे चीज को। तो अब हम बढ़ते हैं मोहम्मद रजा की तरफ। ऐसा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको याद है कि आप अपनी विंटर ब्रेक कैसे मनाते थे, कि हमें सारी विंटर ब्रेक इकट्ठी करनी है ना, कि कितने लोग कैसे कैसे तरीके से मनाते थे? अच्छा एक्चुअली मेरा क्योंकि बचपन से ही सारा पढ़ा दर्स व तदरीस का ताल्लुक रहा है, तो और पाकिस्तान में गवर्नमेंट कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी, यहाँ पर राइटसन यूनिवर्सिटी, तो मतलब मुख्तलिफ अमलगमेशन ऑफ डिफरेंट फीलिंग्स हैं, क्योंकि जो जो इंसान बड़ा होता है बच्चा होता है तो बच्चा तो एक ही लेवल से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा है तो बच्चा इस लेवल पे होता है कि उसके लिए तो 10 दिन जो है ना वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है कि उसने वो सारी एक्टिविटीज करनी होती है, जैसे कि चॉकलेट्स खानी है, मैंने ये कार्टून देखने हैं, मैंने ये गेमें खेलनी है, मैंने क्रिकेट खेलना है, पाकिस्तान में स्पेशली क्रिकेट का हमें क्रेज था कि हम विंटर को जो है बाजी का क्रिकेट का दो चीजें मुझे पता जी हाँ, ये पाकिस्तान का जो है ना एक पैशन था वहां पर, हम पहुंच जाते थे ग्राउंड पे सुबह सुबह और बड़ा एंजॉय करते थे।
तो ये एक था वहां पर। फिर दूसरी बात है कि आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, कभी मॉल्स चले गए वहां पर। पाकिस्तान में भी बहुत एक्टिविटीज होती थी, हमारे लिए बड़ी रिक्रिएशन होता था। कनाडा में थोड़ा डिफरेंट है सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर बकायदा ऑर्गेनाइज है। वहां पर ऑर्गेनाइज ना भी होने के बावजूद एक फैमिली सिस्टम इतना स्ट्रांग था वहां पर कि आप छोटी सी भी एक्टिविटी के लिए साथ जाते थे ना तो पूरी फैमिली एंजॉय करती थी। हाँ, ये बात है, ये बात। यहाँ पर इवन बहुत सारी एक्टिविटीज भी है ना, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ना फील करते हो कि यार, क्योंकि ये ज्यादा लोफ्टी है सिस्टम, वो ज्यादा कंजस्टेड था, ये लोफ्टी है। तो लोफ्टी होने की वजह से आप जब एक्सपेंशन ज्यादा है तो आपके जहन जो है ना ज्यादा उससे कट होती है। ये चीज है कि बचपन की बहुत सारी चीजें आप उसको भुला नहीं सकते, पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आपसे कि अगर बच्चे जो हैं, बच्चों के पास कंप्यूटर और वीडियो या टीवी ना हो जी, तो अपनी विंटर ब्रेक को कैसे मनाएंगे? बिल्कुल मना सकते हैं, और ये तो वैसे बहुत मुश्किल का, ये कंप्यूटर भी नहीं है, वीडियो भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, ये सबसे मुश्किल बात है। क्योंकि जाहिर है आप, हम खुद इतने आदि हो चुके हैं कंप्यूटर और लैपटॉप्स के और आईफोन्स के कि हम खुद भी सर्वाइव कर सकते हैं। हम सबसे ज्यादा इसको टाइम देते हैं, अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन टाइम, तो बच्चों को करने का यही तरीका है कि पहले हमें अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं कि हम देखिए, हम बच्चे वालदैन को टीचर्स को एज ए रोल मॉडल लेते हैं, अगर मैं अच्छी चीज करूंगा तो बच्चा भी कहेगा नहीं ये नहीं कर रहा तो ठीक है, आई शुड नॉट डू इट एज वेल। तो अगर हम अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम कामयाब हो सकते हैं बच्चे को। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं फॉर एग्जाम्पल घर में अगर मेरी बेटी है, मैं अपनी बेटी को ले जाता हूँ, कहते हैं चलो आओ बाइक राइड के लिए चले जाते हैं या वॉक के लिए चले जाते हैं, तो अगर मैं एंगेज रखूंगा इस तरह की चीजों में जिसमें उसकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसके अंदर एक चेंजेस जरूर आएंगी। बिल्कुल सही है। तो ये चीजें जो है आप इंकल्केट कर सकते हैं, लेकिन सारी जिम्मेदारी वालदैन पे आती है। क्योंकि अगर वो मॉडल होंगे तो बच्चे जो हैं वो कुछ कर सकेंगे, अदरवाइज बच्चे जो हैं वो ही कुछ करेंगे। मैं तो ये देखती हूँ कि सारी माएं अपने बच्चों के हाथों में एक एक आईपैड पकड़ा देती हैं या टेलीफोन पकड़ा देती हैं, कुछ बिजी हो जाती हैं, लेकिन हमारे वक्तों में वो चीज नहीं थी। नहीं थी और बस वो मतलब कि एक बच्चों के पे पूरी माँ की तवज्जो थी कि माँ जो है वो किस तरह उसने बच्चे के अंदर उसने उसे इतना पढ़ाना है, इतनी मेहनत करानी है, हर चीज में आगे लेके जाना है। वो चीज इस वक्त की माए रिलैक्स है, सॉरी टू सेइंग, कि वाकई रिलैक्स है कि उस तरह की जैसे हम लोगों ने वक्त काटा है, दैट इज वेरी हार्ड टाइम। कि मुझे नहीं याद कि एक वक्त भी ऐसा होता था कि बड़ा इजीली वक्त गुजरता था, बहुत हार्ड टाइम गुजरता था हम लोगों का। तो अब तो हार्ड टाइम करना पड़ेगा ये सबको, ताकि बच्चों को तो हमने कुछ बनाना ही है, सबको हार्ड होना पड़ना है। तो थोड़ी सी चीजों से हट के बच्चों को जो है अपनी बच्चों को अपनी नॉलेज जो है उनका जो है वो निकालने की कोशिश करें कि बच्चे जो है अपने नॉलेज को भी तो बाहर लाएं ना, सारा नॉलेज वहां से कंप्यूटर से और वीडियो से और टीवी से तो ना हासिल करें, अपने तो बहुत शुक्रिया मोहम्मद रजा के आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। तो बहुत शुक्रिया तनवीर आपके आने का, बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारे प्रोग्राम में आई और हमारे बच्चों के प्रोग्राम में शामिल रहे। बुखारी साहब का मैं बहुत शुक्र गुजार हूँ, मैं अहमद रजा के बहुत शुक्र गुजार हूँ, आपके बहुत शुक्र गुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा भी आपने आना है जब भी मैंने बुलाना है, क्योंकि ये बच्चों का प्रोग्राम है, हमने सब ने मिलकर इसको अच्छा बनाना है, हमने बच्चों को असल पॉलिश हमने बच्चों को करना है कि बच्चे जो है इंजॉयबल जिंदगी गुजार सके और बच्चों का स्ट्रेस जो है एनवायरमेंट का स्ट्रेस जो है जो इस वक्त का है वो बच्चों का खत्म हो सके। तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारे साथ आपकी मुलाकात। मोहसिस नासरीन प्यारे बच्चों, अब हम ब्रेक पे चले और अभी हम ब्रेक से वापिस आते हैं। It's good to dream big, to own a house and a business. Get residential and business loans. Get insurance to protect your dreams. Get your children in university education without monetary worries. Invite your family from back home to share your success in Canada. Me and my team of professionals will help you under one roof to settle down in Canada. Amber Financial and Allied Services. Call now. 647-887-1696. Amber Financial and Allied Services. All services under one roof. दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन,
खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ तआवुन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तियाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तियाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Engage in CCTV security cameras, doorbell video and alarm system. Installation since last 20 years in Toronto. Certified team of professionals serving Ontario completed many residential and commercial projects successfully. High ranking reviews on Google, Better Business Bureau and Home Stars. 100% satisfaction guaranteed. For free estimate call Firoz Khan at 647-504-8325 or visit ACN Technology, Gateway of Communication. अगर आप चाहते हैं खूबसूरत विजिटिंग कार्ड, साइन बोर्ड्स, बिलबोर्ड्स, तो कॉल कीजिए अमनदीप सिंह को 416-577-5128 416 डिजिटल साइन। ब्रेक से वापस आए हैं और हम देखते हैं कि मसल्स नाज़रीन प्यारे बच्चों, बहुत सारे सिंपल टिप्स हम बताना चाहती थी कि बच्चों की हिफाजत के लिए सर्दियों में उनके लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज़ तो यह है कि बच्चों के कपड़ों को आप पूरी तरह उनकी एडजस्टमेंट करें कि जब भी आप बाहर निकलें बच्चों को पूरी तरह कवर अप करके बाहर निकलें। और उसके बाद ये बच्चों के अंदर क्योंकि टॉलरेंस कम होता है इसलिए उनको उनके लिए जो एक्सेसरीज जो हैं वो हर वक्त अपने पास जो है रखा करें ताकि बच्चों के जिस्म के छोटे छोटे हिस्से जैसे नाक है, कान है, हाथ हैं, ये हिस्से जो हैं उनको जल्दी ठंडे हो जाते हैं, उनको कवर अप करने की आप कोशिश करें। उनकी वजह से उनको जो है वो कोई ना कोई बीमारी जो है वो आ सकती है। इसके बाद फिर आप देखें कि बच्चों को अपने जूस दें, पानी दें, जितना भी हो सकता है इसमें सर्दियों में देना चाहिए। बहुत सारी सब्जियां हैं, सब्जियों की तरफ बच्चों का रुझान ज़रूर दिलवाना चाहिए। बच्चों की प्रोटेक्शन, खास तौर पर बच्चों की स्किन की प्रोटेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके जो है उनके चेहरे के ऊपर कुछ ना कुछ लगाते रहें, बेबी ऑयल्स ही लगा लें तब भी बहुत अच्छी बात है ताकि बच्चे की ड्राई स्किन जो है वो होने से बच जाएगी। इसके लिए हमेशा जो है बच्चों का ध्यान करना जो है वो सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे टिप्स हैं, आप देखेंगे कि बच्चों को अगर नज़ला हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, अगर आप उन शुरू में सिर्फ उन टिप्स को ही आजमाया करें, मेडिसिन जो है वो बाद में लेके लें ताकि बच्चा जो है आप उसके अंदर क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती इतनी ज़्यादा मेडिसिन जो है आप उनको इस्तेमाल करवाएं। तो मेरा ख्याल है कि पहले आप प्योर टिप्स दें और बच्चों को हम जितना भी महफूज रख सकते हैं महफूज रखें, आउटडोर ज़रूर लेके जाएं, आप उनके साथ रहें, आप उनके साथ मूवीज़ देखें, आप उनके साथ घूमें फिरें, लेकिन बच्चों को आप पूरी तरह केयर करें। और जब आप घर से बाहर निकलें ये ज़रूर देखें कि वेदर जो है वो वेदर की कंडीशन क्या है, कैसे निकल ज़्यादा वेदर जो है वो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है तो आप उससे एहतियात करें। आप बच्चों को ले जाने से पहले आप इस चीज़ को चेक करें क्योंकि बच्चों को उन्हें इस वेदर में बाहर तो लेके जाना है, क्योंकि वेदर से बच्चों को तो मानुस करवाना है इन एनवायरमेंट से। ये तो नहीं कि बच्चों को टोटली घर रख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें उनकी एहतियात जो है वो करना ज़रूरी है। एक बहुत बड़ी मैंने एक नज़म लिखी थी दिसंबर के ऊपर, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूँ कि दिसंबर से जनवरी लंबी दास्तान महीनों की, दिसंबर से जनवरी लंबी दास्तान महीनों की, बड़े इंतज़ार में कटे वो जैसे आप गिनों की, वो बड़े इंतज़ार में कटे जैसे आप गिनों की, कभी सर्द उदास हवाओं के झमेले, कभी लंबी रातों और छोटे दिनों के बेले, कभी लंबी रातों और छोटे दिनों के बेले, जाता दिसंबर दे गया सबको उम्मीद के वादे, पहना गया हो जैसे सुख और चैन के लबादे, बता गया कि रब की अनायतें हैं बेहिसाब, तलाश कर इसे
और बंतु नायाब, तलाश कर इसे और बंतु नायाब, तेरा किरदार ऐसा हो, तेरा किरदार ऐसा हो जैसे अक्स पानी में, तेरा किरदार ऐसा हो जैसा अक्स पानी में, तेरी सच्चाई नजर आए हर एक आईने में, तेरी सच्चाई नजर आए हर एक आईने में, तेरी फहम व फरासत के हों ऐसे चर्चे, तेरी फहम व फरासत के हों ऐसे चर्चे, लोग पहचाने तुझे तेरी आंखों के रास्ते, लोग पहचाने तुझे तेरी आंखों के रास्ते, खालिदा कहती है मुबारक, नए साल की रौनकें तुम्हें मुबारक, नए साल की रौनकें तुम्हें मुबारक, बहारों के नए पैगाम हो तुम्हें मुबारक, बहारों के नए पैगाम हो तुम्हें मुबारक, जिंदगी की हर नई उमंग हो तुम्हें मुबारक, तुम्हारे दम से हमारी है ये हर कायनात, तुम्हारे दम से है हमारी ये कायनात, तुम रहो सलामत लंबी जिंदगी हो तुम्हें मुबारक। और प्यारे बच्चों, नया साल में हम इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे, और इंशाल्लाह आप अल्लाह करे कि नया साल हम सब के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी परेशानियां हमारी दूर हो जाएं जो कि इस इतने दो सालों से जिससे हम निपट रहे हैं। खुदा करे कि हमारा नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा हो। आप सबको बहुत बहुत नए साल के आने वाले नए साल की मुबारक हो। और अब हम देखते हैं आपकी वीडियोस, कि आपने जो वीडियोस भेजी है ना, मुझे लगता है आपको बड़ी बेचैनी हो रही है देखने के लिए, कि बहुत देर हो जाती है ना, आप सारा पहले प्रोग्राम देखते हो फिर आपकी वीडियोस देखने का वक्त आता है। तो चलें अब वीडियोस अपने देखते हैं। विंटर के हवाले से जवार और अरुश, Nurul Ain from Pakistan. The most merciful and the most beneficent, my respected chief guests, teachers and fellows, Assalamu alaikum. I am going to present the speech on winter vacation. Winter vacation has been my favorite season. Due to some exciting reasons, winter vacation is one of them. The winter vacation is not long like a summer vacation, but it's quite interesting in this winter vacation. I have few cousins and I am spending time with my cousins. Thank you. Aslan Bukhari from Sargodha. फरवा अली फ्रॉम पाकिस्तान। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना।
लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे उसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जिना, मोहम्मद अली जिना। तुबा फ्रॉम टोरंटो। Hi everyone, I'm Tuba from Toronto, and today I'm going to be telling you how you can get busy during the winter break. Something you can do during the winter break is to go do some ice skating, make snow angels, make a snowman, or make a snow fort. You can also do some indoor activities such as board games like Snakes and Ladders, Ludo, Scrabble, and more. Another thing you can do is painting. That's one of my favorite things that I like to do when I'm bored or when I just want to do something. Another thing you can do, try to learn some new hobbies, maybe cooking, learning new makeup, maybe playing video games, whatever makes you happy. Hope you like this video. Bye! Sajda Batul, Dubai. अबक ज़ारा, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अबक ज़ारा। गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल टीचर एंड माय डियर फ्रेंड। टुडे आई एम हियर टू स्पीक अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस। We all know all that self-confidence means having a belief in yourself and your abilities. It is freedom from doubts. It is something that need to develop internally. It cannot be taught, but it is very important for a healthy and positive lifestyle. With self-confidence, one can achieve anything in my life. Thank you. अब आपने बहुत इंजॉय अपनी वीडियोस की होंगी, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। मुझे तो एकदम मज़े की लगी सारी आप लोगों की वीडियोस, और वाकई आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत शेयर करते हो। और अब भी हमें नए साल के हवाले के साथ आपने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हमें भेजना है, ताकि हम आपके बाकी दोस्त जो हैं वो आपको देखें और उसको इंजॉय सके, इंजॉय कर सके। तो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की रहमत है।